साथ हम प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल स्टार्ट करेंगे जी। खालिद भाई, माजिद भाई, शाहिद भाई एंड देन मोई शाह साहब प्लीज। रिजवान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक कि आपको सेंचुरी बनाने का मौका मिल गया आखिर। लेकिन ये बताओ कि ये जो तो हम सिचुएशन देख रहे हैं साउथ अफ्रीका 127/1, तो ऐसा क्या है कि पाकिस्तान क्या रिलैक्स कर गया आखिरी सेशन में, या ये समझ रहे हो कि उन्होंने बहुत उमदा बैटिंग की है क्रिकेट पर और आखिरी दिन क्या मतलब पाकिस्तान को क्या ऐसा करना होगा कि हमें मैच अपने हाथ करना है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जिससे आपने सवाल किया, उस सवाल के मुताबिक जो आपने सवाल किया था कि उन लोगों ने उमदा बैटिंग की है या देखिए जी, टेस्ट मैच है, टेस्ट मैच में तो ये पार्टनरशिप वगैरह लगती रहती है। आपको पता है कि 5 दिन का गेम होता है तो उसे किसी भी टाइम जो नहीं अप एंड डाउन होता रहता है। ऐसे कोई बात नहीं कि मतलब उन लोगों के अनुकूल है चीनीज के लिए। हाँ, इनके भी वो अफ्रीका टीम है, लाजमी बात है, वो अच्छे बैट्समैन उनके पास भी, मगर अलहमदा हमारे अच्छे बॉलर्स हैं और एक पार्टनरशिप हमारी भी लगी थी और अब उनके लग गए। इंशाल्लाह जहाँ भी पार्टनरशिप टूटेगी इंशाल्लाह उनको पकड़ लेंगे। अच्छा रिजवान, कल शाम को जब आप बैटिंग कर रहे थे तो लग रहा था कि ये पिच जो है वो अनप्लेएबल है, और आज जब आप देखेंगे साउथ अफ्रीका बैटिंग के लिए आया तो ऐसे लग रहा है कि पिच का बिहेवियर जो है ये बिल्कुल चेंज हो गया है। तो ये जो पिच में दो मुख्तलिफ रवैये हैं, ये क्या बॉलरों ने अच्छी बॉलिंग नहीं की, उन्होंने अच्छी बैटिंग की, या पिच का बिहेवियर अचानक चेंज हो गया वेदर की वजह से, इस बारे में कुछ बताइए। देखिए मजीद भाई, अगर मैं होनेस्टली बताऊँ ना कि कल जब हम खेलने आए थे तो अनप्लेएबल पिच था, सबके सामने था। ये तो अल्लाह जल जलालहू की क्या कहते हैं सपोर्ट थी मेरे साथ, जहाँ पे हम वहाँ पे थोड़े से जो डिफिकल्ट टाइम था अल्लाह पाक ने वहाँ पे हमसे निकाल दिया उन टाइम से, और फिर अल्लाह पाक ने सो करवा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ऐसा कुछ नहीं, पिच थोड़ा सा बेहतर हुआ है मगर स्टिल उसमें जो है ना क्या कहते हैं स्पिन मौजूद है, ऐसा नहीं कि नहीं। ये तो मेरे ख्याल से हम थोड़ी सी उन लोगों ने आके हम पे अटैक किया, इस अटैक में वो हमसे निकल गए। मगर आपको पता है कि दिन दिन की बात होती है, टेस्ट मैच 5 दिन का होता है, आज उन लोगों ने अटैक कर दिया, निकल गए। इंशाल्लाह कल उम्मीद है कि हमारे जवान आके उनके विकेट लेंगे, उनको पकड़ लेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया। जी शायद भाई, अनमोल शाह साहब प्लीज। रिजवान, कितना जरूरी होगा ये टेस्ट मैच जीतना, जनूबी अफ्रीका इतने अरसे बाद आई है, हम 2003 में एक आखिरी सीरीज उनसे जीते थे। देखिए जी, जरूरी हर एक मैच है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के लिए हम खेल रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आके जीत के लिए हमारी सिर्फ पहली अहम जीत होती है। आज सुबह भी हमारी मीटिंग में एक बात हुई है कि भाई हमने ड्रॉ के लिए नहीं खेलना, ना ड्रॉ का सोचना है। ये टेस्ट, इस टेस्ट मैच के पहले दिन जब हम हमारी मैच से पहले मीटिंग हो रही थी, उसमें एक ही बात थी कि भाई हमने सीरीज जीतनी है और दूसरा मैच भी जीतना है। तो हमें कप्तान और कोच की तरफ से एक ही मैसेज मिला था कि भाई हमें जीत पे जाना है, ड्रॉ का नहीं सोचना। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी प्लान पे लड़के और लड़कों के माइंड में वही था, उसी प्लान माइंडसेट पे जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सबके सामने है कि इंशाल्लाह उम्मीद है कि कल इनको पकड़ेंगे और इंशाल्लाह 2-0 से ये सीरीज जीतेंगे इंशाल्लाह। जी रिजवान मोईशा, ये बताएं कि ये जो आपकी इनिंग है माशाल्लाह पहली सेंचुरी आपने टेस्ट में बनाई, तो ये कितना एक, एक, एक तो ये बताएं इसको कहां रेट करते हैं आप अपनी जो इनिंग्स आज तक आपने इंटरनेशनल क्रिकेट में खेली है? ये मैं टेस्ट की बात नहीं कर रहा बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। और आप समझते हैं कि यहाँ पे जो पाकिस्तान को, खैर आपसे ये पूछना जरा अजीब सा लगता है, लेकिन पाकिस्तान को जो एक थोड़ा सा पुश चाहिए थी लेट ऑर्डर में, वो आपकी ऊपर नीचे अच्छी इनिंग्स की वजह से मेरा ख्याल है मिलती हुई नजर आ रही? देखिए जी, जहाँ तक मेरी इनिंग्स की बात है ना, तो मैं होनेस्टली बताऊंगा, होनेस्टली चीज है, ठीक है। अगर वहाँ पे अल्लाह पाक जहाँ पे डिफिकल्ट टाइम तक कल चल रहा था, थोड़े से एजेस वगैरह लग रहे थे, मैंने उस पर अटैक किया। जैसे हमें देखिए जी, हमें सिर्फ ये चीज़ आती है कि बहादुरी अल्लाह पाक को पसंद है, बहादुर लोगों के साथ अल्लाह पाक की मदद होती है। अगर मैं समझता हूँ कि अगर उस टाइम वो कैच थोड़ा सा जो 60-40 कैच था, अगर वो करता तो शायद ये आज ही सामने में आप लोगों के बैठा ना होता। अल्लाह पाक ने मुझे वहाँ पे बचाया अल्हम्दुलिल्लाह, फिर अल्लाह पाक ने जो जहन में डाला हुआ था उसी बहादुरी पे गया हूँ, उसी अल्लाह पाक से मांग के गए हूँ, अल्लाह पाक ने मेरी सपोर्ट की। और एक डिफिकल्ट इनिंग्स जो सबके सामने थी कि जहाँ पे हम स्टैंड कर रहे थे कि 230-240 जो है ना इस पिच पे हो जाएगा, क्योंकि काफी स्पिन हो रहा था, समझ नहीं आ रहा था, अप एंड डाउन हो रहा, और एकदम जो है ना अल्लाह पाक ने हम यहाँ खड़ा कर दे कि 370 तक ले गए।
तो मेरे ख्याल से मेरे करियर की इनिंग्सों में से एक सब अल्लाह पाक का करम था जिन्होंने मुझे दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह। जी प्लीज नेक्स्ट हैं जी जोजी भाई, रशीद शकूर, दानियाल एंड शाकिर अब्बासी। थैंक यू रजा, मेरा सवाल होगा। थैंक यू जोजी भाई। जी शकूर भाई आप करिए। अस्सलाम वालेकुम रिजवान। रिजवान जब आपका पहला टेस्ट हम देखते हैं हैमिल्टन का, उसमें आपके सामने कई बैट्समैन आउट हुए, आप नॉट आउट गए थे और मतलब वो टेल भी थी, और वो अब आपके सामने जो लोअर ऑर्डर होते हैं उनको आप मतलब प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, उनको खिला भी रहे हैं, खुद भी खेल रहे हैं, तो ये क्या वक्त के साथ साथ ये एक्सपीरियंस आया है और कितना ये मतलब इम्पोर्टेंट होता है किसी भी बैट्समैन के लिए कि अगर वो निचले ऑर्डर के साथ खेल रहा है तो वो उनको भी खिलाए और अपनी भी इनिंग्स को बिल्डअप करे, तो ये क्या एक्सपीरियंस वर्क के साथ साथ आपने कितना सीखा है इस चीज को? देखिए जी ये बिल्कुल आपको सीखना पड़ता है, क्योंकि अगर आप इस नंबर पे खेलते हुए आ रहे हैं तो लाजमी बात है आपको दूसरे बैट्समैनों को देख के वहां से कुछ ना कुछ, क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, इस स्टैंडर्ड पे ना एक कोई एक्सक्यूज नहीं होती कि यार मेरे पास टेल है या ये जो भी है एक्स वाई जेड है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस स्टेज पे हमारा जो 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 जो, जो रिकॉर्ड होल्डर है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आसिफ शफीक अल्हम्दुलिल्लाह उसने काफी परफॉर्म की इस स्टेज पे आके, क्योंकि जब मुझे लास्ट टाइम मेरी शायद असलम भाई से बात हो रही थी तो उसने भी कहा कि रिजी यहाँ पे आपको बहुत सी चीजें आसिफ शफीक भाई से सीखनी पड़ेगी, तो उसको देखता रहा अल्हम्दुलिल्लाह वहां से कुछ, क्योंकि टेल के साथ खेलना काफी डिफिकल्ट होता है, उसको कुछ पॉइंट्स आसिफ भाई से डिस्कस जो है ना, फिर शायद भाई असलम के थ्रू मैंने सीखे अल्हम्दुलिल्लाह जहन में था वो अंदर यूटिलाइज किए, अल्लाह पाक ने मदद की अल्हम्दुलिल्लाह। जी दानियाल जी रिजवान, मैंने मुबारक हो आपको, मैंने आपसे ये पूछना था कि आपने साउथ अफ्रीका की आज सुबह तो पेस के खिलाफ भी आप काफी कंफर्टेबल लगे, आप उनकी स्पिन जो कि काफी देर ऑपरेट करते हैं उसके खिलाफ भी कंफर्टेबल थे, तो आपको जितनी शायद और कीपिंग आप करते हैं पिच की जितनी रीड है शायद कम लोगों को जो फील्ड पे है तो फील्ड पे है, तो अब वो पिच जरा हमें फ्लैट लग रही है, आपको क्या लगता है कि पांचवें दिन पे पाकिस्तान के पेस बोलर्स की होंगे अगर उनको आउट करना है, या फिर स्पिनर्स का ज्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल आएगा जैसे मैच डीप जाता है? यार आपका आवाज थोड़ा सा रोक रहा है। अच्छा अच्छा देखो जी, अगर हम इस पिच को देख लेना तो स्टिल शुरू दिन से हमें ये लग रहा है कि स्पिन इफेक्टिव होगा, मगर अगर आप उठा के देख ले तो हमारे हसन भाई ने 5 आउट किए, उनका वो नोजी है या नोकिया है जो भी है तो वो उसने भी 5 आउट किए, मतलब ये कि फास्ट बॉलरों ने किए, अब इस स्पिन इस सेकंड इनिंग्स में आके ना उनके जो लंडी है उसने 5 आउट किए, तो इंशाल्लाह अभी स्टिल अगर आप लेकर हमारे एक शाहीन आउट किया है, तो ये है कि एक पार्टनरशिप लेगी है, इस पार्टनरशिप की वजह से क्या कहते हैं थोड़ा सा लग रहा है कि यार पाकिस्तान इधर हमारी बॉलिंग थोड़ी सी वो ना उन लोगों ने अटैक किया, अटैक में उनको थोड़ी सक्सेस मिल गई, मगर दिन खत्म हुआ कल न्यू दिन हमारे नए फ्रेश बॉलर हमला, और सबको पता है कि हमारी स्ट्रेंथ हमला हमेशा से बॉलिंग आ रही है, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह में हम पकड़ लेंगे इंशाल्लाह। जी शाकिर प्लीज। जी शाकिर आपको आवाज आ रही है? ओके शाकिर आई थिंक वो नहीं है, प्लीज जायद ख्वाजा साहब आप प्लीज क्वेश्चन करिएगा, देन फिर शाकिर आप क्वेश्चन करिएगा। शाकिर आपको आवाज आ रही है? ओके आरफा आप प्लीज क्वेश्चन करिएगा। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई, अरफा फ्रोस फ्रॉम जियो न्यूज। रिजवान भी आपके अगर टॉप की इनिंग्स देखें कि 95 आपने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया तब 94 for 5 था पाकिस्तान, फिर आपने 71 किया न्यूजीलैंड के खिलाफ तब 52 for 5 था, फिर आज आपने जो है वो शानदार इनिंग्स खेली तब भी 76 for 5 था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, तो ये आपकी जो टेलेंडर्स के साथ जो इनिंग्स चल रही होती है उसमें आप क्या उनके साथ जो है वो गुफ्तगुशनीद कर रहे होते हैं, उनसे बातचीत क्या कर रहे होते हैं, और फिर ये जो प्रेशर सिचुएशन में खेलने का जो आर्ट आपके अंदर एक बनता जा रहा है इसकी ग्रूमिंग आपने किस तरह की, ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ। देखिए जी माशाल्लाह ये ग्रूमिंग जितनी भी है सब आप लोगों की वजह से, जितनी भी आप सवालात कर रहे हैं आप सब लोगों की दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ, तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बहुत ग्रूमिंग आ रही है मेरे में अल्हम्दुलिल्लाह, और जहां तक ये प्रेशर का मामला है तो ब्रदर ऐसे है कि प्रेशर गेम सारी क्रिकेट सारी प्रेशर की गेम है,
یہ ایک سب سے امپورٹنٹ چیز اور سب سے اہم چیز یہی ہے کرکٹ میں پریشر, کیونکہ اگر آپ ڈومیسٹک میں کھیل رہے ہیں, کلب کرکٹ کھیل رہے ہیں, کیونکہ اچھا برا بول آپ کو کلب میں بھی ہوتا ہے, کلب پہ انڈر 16 کا بچہ, کوئی 15 کا بچہ بھی آپ کو آؤٹ کر لیتا ہے, ایسا نہیں کہ نہیں کرے گا آپ کو آؤٹ. اس لیے ہمارے کرکٹ میں ہم کہتے ہیں بنگلہ دیش, ساؤتھ افریقہ, آسٹریلیا, یہ میٹر نہیں کرتا, جو اچھا کھیلتا ہے اس دن کے حساب سے وہی کامیاب ہوتے ہیں. تو جو بھی ٹیم ہو, تو سب سے امپورٹنٹ ٹیم پریشر ہے. اور پریشر کے لیے سمپل میں نے رکھا ہوا ہے کہ میں ایک چیز سمجھتا ہوں کہ میرے ہاتھ میں ہے محنت جو میں پیچھے سیریز سے پہلے کرنی پڑتی ہے, باقی اس کے بعد رزلٹ اللہ پہ چھوڑتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کیا رکھا ہوا ہے. اگر میری محنت اور ہمت اتنی ہوئی کہ مخالف ٹیم سے زیادہ ہوئی تو اللہ پاک مجھے صلہ دیں گے, اگر میری محنت اور ہمت ان کی ٹیم سے کم ہوئی تو میرے ہاتھ میں رزلٹ نہیں آئے گا. تو میں صرف اللہ اسی ایک اس چیز پہ بحث بھی جاتا ہوں کہ پریشر کو ایک سائڈ پہ رکھ کے کہ اللہ سے ہوتا ہے, بھائی اللہ کی غیر سے نہیں ہوتی, یہ تو ساری دنیا کو پتا ہے, مگر اللہ پاک نا انصافی نہیں کرتا, وہ محنت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, وہ ہمت پہ دھرتا ہے, جس کی محنت زیادہ رزلٹ ان کے ہاتھ میں. تو اس لیے اس چیز کو بالکل ایک سائڈ پہ رکھتا ہوں اور اسی پہ کھلے مائنڈ سے کھیلتا ہوں. جی شاکر, پلیز آپ کوشچن کریے گا. شاکر بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی. ہلو, اب آواز آ رہی ہے رضوان بھائی؟ رضوان بھائی آواز آ رہی ہے؟ رضوان بھائی پوچھنا یہ تھا کہ بڑے عرصے سے آپ بہت اچھا پرفارم کر رہے تھے لیکن 100 نہیں لگ رہا تھا, برسبن میں 95 پہ جا کے آؤٹ ہو گئے, ساؤتھ ہیمپٹن میں 72, ابھی نیوزی لینڈ میں 71 پہ رن آؤٹ ہو گئے, آج کی اننگز میں وہ کیا خاص بات تھی کہ آج 50 آپ کی 100 میں کنورٹ ہو گئی؟ اور دوسرا, جب آپ لنچ کے بعد گراؤنڈ میں جا رہے تھے تو ہمیں یہاں سیفی بھائی کی آواز سنائی دی کہ شابہ رضوان 100 کر کے آنا ہے, تو ویسے جب بینچ اسٹرینتھ میں آپ کا کمپیٹیٹر سینئر بھی ہو ایک پریشر ہوتا ہے, لیکن وہ تو آپ کو جو بیک کرتے ہیں وہ اس کو آپ کتنا موٹیویٹ ہوتے ہیں اس سے؟ دیکھیں جی, یہ میری ایک ڈیفیکلٹ سا تھا, ایک چیلنج لے کے گیا تھا صبح. اگر آپ کو ایسے تو اگر بہت سی ساری چیزیں, بہت سے ہمارے پلیئرز نے مختلف باتیں کی ہے, کیونکہ اگر میں آپ کو سمپل بات کو یاسر شاہ کی تو اس نے کہا کہ رضی میری نظر میں آپ بیٹسمین نہیں ہو, اگر آج آپ نے 100 کر دیا تو میں آپ کو پھر بیٹسمین مانوں گا, نہیں تو 50-50 تو میں بھی کر لیتا ہوں, ٹھیک ہے, یہ یاسر شاہ کی بات ہے. پھر اوپر سے سیفی بھائی کی بات ہے, تو سیفی بھائی جب 100 کے بعد تو اس نے مجھے گلے ملا. یہ دیکھو, یہ ایک ٹیم گیم ہے آپ سب کے سامنے, یہ کوئی میٹر نہیں کرتا. مجھے پتا ہے کہ سیفی بھائی باہر بیٹھا ہوا ہے, مشکل ہے تھوڑا سا, مگر یہ ایک ہیلدی کمپٹیشن ہے, چلتا آ رہا ہے, مگر اس کی محبت, ہماری محبت ایک ٹیم جیل ہوئی ہے الحمد للہ, اور امید ہے کہ ان شاء اللہ یہ آگے بھی چلتے رہیں گے. اور دیکھیں, بیسیکلی کام صرف پاکستان کا ہے, یہ اسٹار جو ہمارے سینے پہ لگا صاحب اس کے لیے ہے. اگر میں یہ سوچوں کہ یار میں کراچی میں سندھ پاک بلوچستان, نہیں بھیا, پاکستان کی ٹیم ہے, ہماری ڈومیسٹک کی ٹورنامنٹ ہوتی رہتی ہے, وہاں میں سندھ بھی چلتا ہے, وہاں کے پی کے بھی چلتا ہے, پنجاب بھی چلتا ہے, اس میں الگ 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 نہیں, یہاں پہ پاکستان کی ٹیم ہے, ایکس وائی زیڈ پلیئر جہاں سے بھی آئے ہم سب کی ایک محبت ہے, سب کے لیے کسی طریقے سے ہمارا پاکستان کامیاب ہو جائے الحمد للہ. تو یہی ایک اہم ہوتا ہے, اور اس کنڈیشن میں اللہ نے 100 کروا دیا, تو کیا کہہ سکتے ہو اس بارے میں, کیونکہ کل جس طرح چل رہا تھا اور پھر صبح اللہ نے جو کروا دیا تو میری سمجھ سے باہر ہے, اللہ کا کرم ہے جی. We will take the English question. Please, can say you can ask the question. Hello, thank you very much. Mohammad, well done and congratulations on your maiden test century. Considering how well South Africa came back in the fourth innings, do you think which result is best possible that will take place tomorrow? What did he say? First of all, thank you for my century. And basically, today they came with good intent and they attack on us, but their success on this attack. The different thing is that is, you know, that is a test cricket. Test cricket is a 5-day game. He still is going up and down, and we still have a 1-day, and you know that our strength is bowling, and inside the pitch still have a spin, and we have a quick bowler Shaheen Shah and Hassan Ali, inshallah. Tomorrow is a different day, and you know that is the last day, is always difficult day for the batting. Inshallah, we out in this score, inshallah. جی سہج, آپ کو آواز آ رہی ہے, پلیز کوشچن کر لیے گا. رضا, تھینک یو, میرا کوشچن ہو گیا. تھینک یو رضوان بھائی, اور مبارک. تھینک یو ویری مچ جی, آپ سب کے جوائن کرنے کا.